Hi guys, welcome to Screen Guru. So here I am with a very important notification today. तो आज हम देखने वाले हैं टेरिटोरियल आर्मी का जो नोटिफिकेशन निकला है उसके बारे में, ठीक है. वी विल बी लुकिंग इन टू द सिलेबस एलिजिबिलिटी, देन वॉट इज द डिटेल्ड सिलेबस आउट ऑफ इट, वॉट आर द एग्जाम डेट्स एंड हाउ इज द सिलेक्शन प्रोसीजर, और आपके बहुत सारे क्वेश्चन, मोस्टली एवरी क्वेश्चन वुड बी आंसर्ड थ्रू दिस वीडियो, ठीक है. सो एज यूजल आई हैव ब्रॉट टू यू द मोस्ट रिलायबल डॉक्यूमेंट, दैट इज द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ठीक है. तो हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन से सब डिटेल्स आज डिस्कस करेंगे, मैं आपको बताऊंगा, और उसी तरह हम फिर फॉर्म भरेंगे अगर आप एलिजिबल हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. सो द फर्स्ट थिंग इज, इट इज़ अ टेरिटोरियल आर्मी का नोटिफिकेशन है एंड जॉइंट टेरिटोरियल आर्मी एज एन ऑफिसर लिखा है. सो इट इज़ फॉर द ऑफिसर्स एंट्री, इट इज़ नॉट अ GCO's एंट्री और अ सोल्जर्स एंट्री लाइक रैली लाइक थिंग, ठीक है. और ये डिपार्टमेंटल एग्जाम भी नहीं है, दिस इज ओपन फॉर एवरीवन, ठीक है. तो हम जो सिविलियंस है वो सब अप्लाई कर सकते हैं. एंड द नेक्स्ट लाइन सेज पार्ट टाइम कमिटमेंट एंड नॉट अ फुल टाइम करियर. तो जिसको जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स है जो अभी मुझे सुन रहे हैं, जिसको टेरिटोरियल आर्मी के बारे में नहीं पता, तो मैं बता दूं कि टेरिटोरियल आर्मी इज अ कंसेप्ट. इट इज लाइक इन द सिंपलेस्ट टर्म्स यू कैन से दैट इट इज अ पार्ट टाइम आर्मी, ठीक है. तो जब भी आर्मी को जरूरत होती है तो वो टेरिटोरियल आर्मी के ऑफिसर्स को, टेरिटोरियल आर्मी के जो भी रेजिमेंट्स जो प्लेटून्स होती है उनको बुलाया जाता है, ठीक है. दिस इज नॉट अ फुल टाइम जॉब, मतलब आपको फुल टाइम आर्मी में रहने की जरूरत नहीं है. सो इट इज लाइक आई कैन से वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज एज वेल एज एन अपॉर्चुनिटी. तो आप एक सिविलियन लाइफ भी लीड कर सकते हो और एक मिलिट्री सर्विस भी दे सकते हो नेशन के लिए, ठीक है. एंड नन अदर देन आई कैन से नन अदर जॉब प्रोफाइल ऑफर्स यू दिस, राइट. सो दिस इज अ वेरी यूनिक अपॉर्चुनिटी, तो प्लीज ग्रैब इट. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. सो दिस इज थ्रू प्रिलिमिनरी इंटरव्यू बोर्ड फॉर टेरिटोरियल आर्मी कमीशन 2021, ठीक है. तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो रिलीज हुआ है उसके बारे में. डेट ऑफ रिटर्न एग्जाम, दिस इज टू बी स्टार मार्क्ड. आपका रिटर्न एग्जाम कब है? 26 सितंबर 2021. मैं वापस से इधर बोर्ड में लिख लेता हूँ, 26 सितंबर 2021, ठीक है, आपका रिटर्न एग्जाम होगा. तो हम देखेंगे अभी रिटर्न एग्जाम में क्या क्या होता है, वो सब देखेंगे हम. तो सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, तो एप्लीकेशन फॉर्म कल से यानी कि 20 जुलाई से लेके 19 अगस्त 2021 तक शुरू रहेंगे. तो आप लिंक पे जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो. द ऑफिशियल वेबसाइट इज www.join. इंडियन आर्मी नहीं लिखना है, इंडियन आर्मी की जगह टेरिटोरियल आर्मी आता है, ओके. www.jointerritorialarmy.gov.in, ठीक है. ये इंडियन आर्मी का जैसे ही है, ये कोई मतलब फेक या फिर कोई दूसरी प्रकार की आर्मी नहीं होती. दिस इज अ पार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन आर्मी, ठीक है. और यहाँ से भी आप ऑफिशियली गवर्नमेंट के लिए काम करोगे, ये कोई एक से एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए वगैरह आर्मी नहीं बनाई जा रही, ठीक है. यू कैन सी द ऑफिशियल लोगो ऑफ द इंडियन आर्मी ओवर हियर, ठीक है. बस एक अलग वेबसाइट उन्होंने क्रिएट की है ताकि लोगों को आसानी हो जो भी अप्लाई कर रहे हो. तो ऑफिशियल वेबसाइट देखा आपने, www.jointerritorialarmy.gov.in. इट इज सिमिलर, जस्ट इंडियन आर्मी की जगह टेरिटोरियल आर्मी आपको लिखना है. तो आप ये वेबसाइट पे जा सकते हो. देन द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है. तो मैं ये अंडरलाइन कर लेता हूँ, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है. आपको कहाँ भी पार्सल, ईमेल, पोस्ट, ये सब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. पहले रहता था ना डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके आपको डिपार्टमेंट में भेज देना होता है, वैसा कुछ नहीं है, ठीक है. आपको ऑनलाइन ही फिल करना है, ओनली लिखा है ना इसके आगे. तो आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, कोई भी ऑफलाइन मेथड इसमें नहीं चलेगा. एंड ओनली थ्रू वन वे, दैट इज थ्रू दिस वेबसाइट. नो अदर बोर्ड इज अलाउड फॉर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, ओके. एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फ्रॉम गेनफुली एम्प्लॉयड यंग सिटीजन्स. गेनफुली एम्प्लॉयड, हम आगे चल के गेनफुली एम्प्लॉयड ये शब्द के बारे में बात करेंगे. यंग सिटीजन्स फॉर एन अपॉर्चुनिटी ऑफ डॉनिंग द यूनिफॉर्म एंड सर्विंग द नेशन एज टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर्स नॉन डिपार्टमेंटल. तो मैंने जैसे कि कहा ये डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं है, ओके. बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ एनेबलिंग मोटिवेटेड यंग सिटीजन्स टू सर्व इन अ मिलिट्री एनवायरमेंट विदाउट हैविंग टू सेक्रीफाइस देयर प्राइमरी प्रोफेशंस. You can serve the nation in two capacities, as a civilian and as a soldier. No other option allows you such an expanse of experiences. Very true. तो जैसे कि मैंने कहा कि ऐसा कोई भी आपको दूसरा option, कोई भी दूसरा job profile नहीं मिलेगा जहाँ कि आप एक civilian और military life दोनों lead कर सकते हो. So this is a very unique opportunity. तो let's see. First is the conditions of eligibility. Eligibility के बारे में देखते हैं हम.
फर्स्ट इज नेशनलिटी, यू शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, दैट इज ऑफ कोर्स मेल और फीमेल दोनों के लिए चलेगा. ये दोनों के लिए एप्लीकेशन. एज लिमिट्स 18 टू 42 ईयर्स एज ऑन द लास्ट डे ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन, दैट इज 19th August 2021. तो 19th August 2021 को आपको जो एज होगी वो ये एज के बीच होनी चाहिए, दैट इज 18 to 42 ईयर्स, ये एज लिमिट है. ओके, 19 August इज द डेट ऑन विच यू हैव टू लुक आउट अबाउट योर एज. तो आपको एज कहाँ, मतलब कौन से डेट से आपको पकड़नी है, आपको डेज ये डेट से पकड़नी है, 19 August 2021. तो ऐसे मत पकड़ना कि जनवरी में मेरी एज इतनी थी तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं. दे हैव राइटफुली मैंशनड ओवर हियर, ठीक है. 19 August आपको पकड़ के चलना है. 19 August को आपकी जो एज होगी, अगर आप फिर इसमें एलिजिबल हो तो आप भर सकते हो फॉर्म. द थर्ड इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यू शुड बी अ ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ठीक है. फिजिकल स्टैंडर्ड्स, अ कैंडिडेट मस्ट बी फिजिकल एंड मेडिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट्स. ओके, एम्प्लॉयमेंट गेनफुली एम्प्लॉयड, ठीक है. तो इसके बारे में थोड़ा आपको बताना चाहूँगा. गेनफुली एम्प्लॉयड मीन्स यू कैन बी सर्विंग इन गवर्नमेंट सर्विसेज. आप गवर्नमेंट सर्विसेज में जैसे कि कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है उसमें सर्व कर सकते हो, रेलवे में सर्व कर सकते हो, कोई भी आप गवर्नमेंट सर्विसेज में सर्व कर सकते हो, या फिर प्राइवेट फर्म्स में भी सर्व कर सकते हो. कोई प्राइवेट बैंक है या फिर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट बिजनेस है, उसमें आप सर्व कर रहे हो एज अ एम्प्लॉई. यू कैन, यू आर अ गेनफुली एम्प्लॉयड पर्सन, और एल्स यू कैन बी सेल्फ एम्प्लॉयड. मतलब आपका खुद का कुछ बिजनेस है, खुद आप कैसे पैसे कमा रहे हो कुछ बेच के, आपका कुछ भी बिजनेस होगा या फिर कुछ भी एक प्राइवेट फर्म होगा, आप कुछ चीज़ ओन कर रहे हो, आपके पास कुछ एसेट्स होंगे, ठीक है. तो आप एक गेनफुली एम्प्लॉयड पर्सन हो. ओके, आई होप आई हैव मेड दैट थिंग क्लियर फॉर द इंग्लिश पीपल. आई विल रिपीट, gainfully employed means you should have a set of income, permanent set of income, that might be through self-employment, through your business firms, through your private firms, through your assets, that might be from private firms. You can be employed in any of the private institutions all around India, or you can be employed in government services as well. You can be a member of the railway, you can be an employee of other services, other public sector undertakings, okay. So you should have a permanent source of income, that is enough, that shows that you are gainfully employed. Okay, moving on to the next points. Note, serving member of regular army, navy, air force, police, GREF, paramilitary and like forces are not eligible. Okay, you should not be serving these forces. क्योंकि यार ये मतलब कॉमन सेंस जैसी बात हो गई ना. अगर आप ऑलरेडी एक ऑफिसर, ऑलरेडी आप अगर ऑफिसर हो या फिर मे बी यू आर अ सोल्जर इन दीज फोर्सेज एंड देन अगेन यू आर अप्लाइंग फॉर दिस, राइट. तो अगर आप फुल टाइम सर्व कर रहे हो और आप फिर पार्ट टाइम कर रहे हो तो वैसे नहीं चलेगा ना. तो दिस इज लाइक अ कॉमन थिंग. अगर आप ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ऑलरेडी काम कर रहे हो या फिर पुलिस, पैरामिलिट्री में काम कर रहे हो, तो ये मोस्टली सिविलियंस के लिए बनाया गया है, ताकि आप एक आपका कमिटमेंट दे सके, एक मिलिट्री सर्विस दे सके, आप वो भी लाइफ जी सके, एंड यू कैन लीड द नेशन, यू कैन सर्व द नेशन, लीड द नेशनल फोर्सेस ऐसा. इसके वजह से ये सिविलियन के लिए मेजरली फोकस्ड है. डेट ऑफ रिटर्न एग्जाम वापस उन्होंने मेंशन किया, दैट इज 26 September 2021. ओके, द डेट ऑफ होल्डिंग द एग्जामिनेशन एज मेंशन अबाउट इज लायबल टू बी चेंज एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. हाँ, तो वो बता रहे हैं कि ये चेंज हो सकती है. नेक्स्ट इज सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन. जैसे कि मैंने बताया 20 July, कल से एप्लीकेशन लिंक शुरू हो जाएगी और वो 19th August 2021 तक शुरू रहेगी, टिल 11:59 PM, रात के 11:59 तक ये लिंक चालू रहेगी. तो आपको 11:50 तक वेट करना नहीं है, आपको ये जैसे ही फॉर्म खुलता है वैसे ही 20 या फिर फर्स्ट वीक में ही आप फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है. सेंटर्स ऑफ द एग्जामिनेशन, जैसे कि ये सिविलियन बोर्ड के लिए और ये पार्ट टाइम सर्विस के लिए है, तो इन्होंने ये UPSC जैसा इतना बड़ा एग्जाम भी नहीं है, तो द सेंटर्स आर लिमिटेड. तो आपको ये पता चल ही गया होगा, दैट इज़ जयपुर, कोलकाता, चंडीगढ़, अंबाला, आपके घर के नज़दीक जो भी हो तो आप वो सेंटर अवेल कर सकते हो फॉर्म भरते हो, ठीक है. पुणे, दार्जिलिंग, जलंधर, ये पढ़ के मैं ही बताऊँगा, मैं आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपको चाहिए तो. और ये PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा, तो इफ़ यू वांट दिस ऑफिशियल PDF यू कैन जॉइन अस. आई पोस्ट रेगुलर अपडेट्स, रेगुलर नोटिफिकेशंस अबाउट रेगुलर क्विजेस, रेगुलर नोटिफिकेशन, जो भी मतलब डिफेंस रिलेटेड, जो भी
जॉब प्रोफाइल रिलेटेड या फिर एजुकेशनल कंटेंट जो भी होता है मैं रेगुलर वहाँ डालते रहता हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे। तो अगर आप उसका पार्ट नहीं है तो प्लीज़ ज्वाइन करिएगा। द टेलीग्राम चैनल लिंक इज इन द अबाउट सेक्शन ऑफ दिस चैनल। तो अबाउट सेक्शन में आप जाइए और वहाँ हमारे चैनल को आप टेलीग्राम पे सब्सक्राइब करिए ताकि आप रेगुलर क्विजेस पोल्स वगैरह का हिस्सा बन सके। एंड इफ़ यू वांट दिस ऑफिशियल PDF आई विल सेंड इट इन द टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है। और स्टैंडर्ड एंड सिलेबस ऑफ द एग्ज़ाम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डबल स्टार मार्क, आपको पता तो होना चाहिए ना एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा। तो पार्ट वन इज़ रीजनिंग, दो पेपर होंगे 1 and 2। पार्ट वन का पेपर वन का पार्ट वन इज़ रीजनिंग, पार्ट टू इज़ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। ओके। टाइम अलॉटेड, टोटल टाइम अलॉटेड फॉर पेपर वन इज़ 2 hours। दोनों के 50-50 क्वेश्चन होंगे, 50-50 मार्क्स होंगे, मतलब 100 मार्क का एक पेपर होगा, राइट। और 100 मार्क का दूसरा पेपर। दूसरे पेपर में क्या होगा, पार्ट वन इज़ जनरल नॉलेज, ओके, एंड पार्ट टू इज़ इंग्लिश, दैट वुड बी 2 hours। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन वुड बी सेम, 50 क्वेश्चन फॉर ईच एंड टोटल मार्क्स वुड बी 100। ओके। अभी स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मतलब कौन से लेवल का, एकदम टफ, ईजी, ऐसे सब बताया जाएगा। तो स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर्स इन एलिमेंट्री मैथमेटिक्स विल बी मैट्रिकुलेशन लेवल। तो 10th लेवल पे आपको जो मैथ्स था दैट वुड बी क्वांटिटेटिव मैथ्स। तो क्वांटिटेटिव मैथ्स जो आपको था उस लेवल का मैथ्स आपको पूछा जाएगा एलिमेंट्री में। उस लेवल का नहीं बोल सकता मैं, वो आपको उससे रिलेटेड मतलब क्वांटिटेटिव मैथ्स होगा। आपको डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन ये सब नहीं पूछा जाएगा। ओके। दैट इज़ फॉर द साइंस स्ट्रीम। The standard of papers in other subjects will be approximately be such as may be expected of a graduate of an Indian university. ठीक है। तो एक graduate को, Indian university की graduate की जितना पता होना चाहिए उसी हिसाब से paper बनाया जाएगा। उसे एकदम tough, एकदम मतलब एकदम tough या फिर एकदम लुल्लू पुल्लू नहीं होगा paper। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। Syllabus, syllabus हम detail में देखेंगे। Paper वन reasoning and elementary mathematics, reasoning. Question paper will be designed to test the candidate's ability to complete sentences making logical conclusion based on simple pattern of numbers, statements, figures, letters as may be expected of a rational thinking person without any special study of the subject. Okay. तो इन्होंने number series, जो statements होते हैं, figure series होते हैं, clockwise, anti-clockwise, water image, ये सब जो भी बेसिक रीजनिंग होता है ना उसके बारे में बात की है। या आपको लॉजिकल रीजनिंग जैसे कि एमबीए एंट्रेंस में वगैरह होता है उतना टफ नहीं पूछा जाएगा। ओके। सो डोंट गेट वरीड अबाउट दिस पर्टिकुलर सेक्शन। पार्ट टू इज एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। अभी मैथमेटिक्स में आपको क्या होगा, अरिथमेटिक, यूनिटरी मेथड, एलिमेंट्री नंबर सिस्टम। ओके। तो अरिथमेटिक में आपको नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल रियल नंबर्स ये सब क्या होते हैं वो बेसिक पता होना चाहिए। ओके। द सेकेंड इज यूनिटरी मेथड, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, परसेंटेजेस, ये आपको चैप्टर्स पता होने चाहिए। एंड नेक्स्ट वुड बी एलिमेंट्री नंबर थियरी, डिविजन, एल्गोरिदम, प्राइम, कंपोजिट नंबर्स, ये आपको पता होना चाहिए। HCF क्या होता है, LCM क्या होता है, ये सब। ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ दिस पेज, दैट इज फोर्थ इज अल्जेब्रा। अल्जेब्रा में आपको बेसिक ऑपरेशन, सिंपल फैक्टर्स, फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, रिमाइंडर थियरम, HCF, LCM, अगेन थियरी ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन कैसे होता है, ये सब जो बेसिक चीज़ है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब आपको पता होना चाहिए। दैट वुड बी पार्ट ऑफ द सिलेबस ऑफ दिस एग्जाम, अल्जेब्रा। फिफ्थ वुड बी ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में जो साइन, कोसाइन, कोसेक, कॉटेक्स, जो एंगल्स होते हैं उसके वैल्यूज होते हैं, ये सब आपको पता होने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये सब बेसिक स्टफ। नेक्स्ट इज ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में आपको लाइन्स एंड एंगल्स, प्लेन थियर, प्लेन फिगर्स, थियरम्स ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल, पैरेलल लाइन, साइड्स, सिमिलर ट्रायंगल्स, ये सब आपको पता होना चाहिए। जो बेसिक पूछा गया है ये सब बेसिक है, एकदम कुछ टफ नहीं है। ठीक है। अगर आप ठीक से पढ़ाई करोगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं मेंसुरेशन के लिए। मेंसुरेशन में आपको एरियाज ऑफ स्क्वायर्स, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, जो बेसिक है एरिया, फिर आपको ये सरफेस एरिया पूछा जाता है, आपको सरकमफेरेंस पूछे सकते हैं, तो वो सब आपको पता होना चाहिए, सबके फॉर्मूलाज वगैरह। नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स, बेसिक स्टैटिस्टिकल डाटा, फ्रीक्वेंसी, ये सब आपको पता होना चाहिए। बार चार्ट कैसे पढ़ते हैं, पाई चार्ट कैसे पढ़ते हैं। सो आपको अगर आपने सिलेबस ये देखा तो सिलेबस इज़ क्वाइट मॉडरेट और इजी। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पता होंगे, अगर आप थोड़ी भी प्रैक्टिस कर लोगे, आप आराम से एग्जाम क्रैक कर सकते हो। ओके। तो मैं इसके भी ये भी सेशन लेने का सोच रहा हूँ आफ्टर द एफ कैट। एफ कैट वी विल स्टार्ट रेगुलर सेशंस, रेगुलर वीडियोज़,
डेली वो कैब डेली हम देखेंगे, मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, रीजनिंग ये सब करने वाले हैं एफ कैट के लिए। एफ कैट का एग्ज़ाम आपका 28 अगस्त को कुछ है, 3 दिन एग्ज़ाम है आपका, 28, 29, 30, और उसके बाद आपका ये एग्ज़ाम होगा। तो हम अगस्त में किसकी पढ़ाई करेंगे, एफ कैट की, ये मैं प्लान करके चल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको हिस्सा बनना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ डू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, आपको कैसे चाहिए पढ़ाई ये सब। मैं रेगुलर अपडेट्स डालते रहूँगा एफ कैट के। अगस्त में पढ़ाई करेंगे, देन इन सेप्टेम्बर विल बी लुकिंग इन टू द टेरिटोरियल आर्मी, एंड देन इन नवंबर, नवंबर में आपका कौन सा सी डी एस एग्जाम है, तो नवंबर में हम स्पेसिफिकली सी डी एस की पढ़ाई भी करेंगे, जो फर्स्ट वीक है ना पूरा, वो फर्स्ट वीक पूरा हम सी डी एस की पढ़ाई करेंगे। तो ऐसा हमारा शेड्यूल बन गया है। अगर आपको कुछ भी और हेल्प चाहिए, कुछ भी और आपको स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, या फिर आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो ग्रुप में, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। जनरल नॉलेज और इंग्लिश के बारे में उन्होंने दिया है, तो जनरल नॉलेज मतलब बेसिक सब दिया उन्होंने, करंट इवेंट्स, साइंटिफिक एस्पेक्ट्स एज मे बी एक्सपेक्टेड, ओके, द पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जियोग्राफी ऑफ नेचर विच कैंडिडेट शुड बी एबल टू आंसर विदाउट स्पेशल स्टडी। तो हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी ये सब हो गई, जैसे हर एग्जाम में होता है, बेसिक होगा, एकदम टफ लेवल का नहीं होगा, ओके। पार्ट टू इंग्लिश, द क्वेश्चन पेपर विल बी डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश एंड वर्क्समैन लाइक यूज ऑफ वर्ड्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। तो देखिए, सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपने हर नोटिफिकेशन में देखा है कि हर सिलेबस में सिनोनिम्स एंटोनिम्स होता है, सो दैट इज वाई इफ यू हैवंट गॉन थ्रू द इंग्लिश वोकैब सीरीज, आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड मोर देन 200 वर्ड्स, प्लीज 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 गो थ्रू दैट सीरीज, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपके हर एग्जाम में आपको काम आएगा। एंड नॉट जस्ट माय चैनल और नॉट जस्ट माय वीडियोस, यू कैन गो थ्रू एनी डैम वीडियो ऑन द यूट्यूब और इंटरनेट और गूगल, जहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। जितना आप वोकैबुलरी आपका खुद का बढ़ाओगे, उतना आपके एग्जाम के लिए बेहतर होगा, आपके खुद के लिए बेहतर होगा, वो सभी एग्जाम्स में काम आएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सब आपको जो मतलब बेसिक जो सी डी एस एफ कैट का जो सिलेबस होता है ना, वैसे ही सब है, जम्बल सेंटेंसेस, सेंटेंस करेक्शन, ठीक है। तो ये जितना उन्होंने कहा गया है कि एकदम बेसिक है या फिर एकदम ईजी होगा, उतना भी ईजी नहीं होगा, बिकॉज दिस इज अ नेशनल लेवल एग्जाम ऑफकोर्स, एंड यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू डॉन द यूनिफॉर्म, ठीक है। बट ये इतना भी टफ नहीं होगा कि भाई मतलब क्रैक कर ही नहीं सकते, एकदम बहुत ही टफ है, ठीक है। सो इफ़ यू बी फोकस्ड एंड इफ यू गेट द राइट इंसाइट और द राइट पर्सपेक्टिव, राइट अप्रोच टूवर्ड्स द स्टडी एंड टूवर्ड्स हाउ टू गो थ्रू दिस एग्जाम, देन यू कैन श्योरली क्रैक इट। नेक्स्ट, कैंडिडेट्स टू इंश्योर दैट एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन, द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द एग्जामिनेशन शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल ऑल एलिजिबिलिटी कंडीशंस for admission or to the examination. Their admission at all stages of the examination will be purely provisional, subject to satisfying prescribed eligibility. Mere issue of admission certificate to the candidate will not imply that his candidature has been finally cleared by the competent authority. Okay. Maximum time for each paper is 2 hours and will be conducted in 2 sessions. मतलब 2 sessions होंगे, ऐसा नहीं कि paper 1 के बाद जब भी paper 2 आपका होगा, 2 अलग अलग sessions होंगे, बीच में थोड़ा break होगा आपका। टाइप ऑफ एग्जाम इज OMR आंसर शीट विल बी यूज्ड, ऑनलाइन आपका एग्जाम नहीं होगा, जैसे CDS एग्जाम, NDA एग्जाम होता है ना, रिटर्न फॉर्म में आपको OMR शीट मिलती है, फिर वो आप सर्कल करके भेजते हो, वैसे ही होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज स्टार मार्केट क्वालिफाइंग मार्क्स, मिनिमम 40% इन ईच पार्ट ऑफ द पेपर सेपरेटली एंड ओवरऑल 50%। तो ओवरऑल 50% मतलब आपको पेपर 2 में 50 मार्क्स चाहिए, पेपर 1 में मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, मिनिमम, तो आप ये एलिजिबल कंडीशन कर रहे हो, मतलब पार कर रहे हो, उसके बाद आपका फिर मेरिट लगेगा, जो भी वो लोग परसेंटेज लगाएंगे उसके हिसाब से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो मिनिमम यू शुड गेट 15 ईच, और आपको हर पेपर में कितने चाहिए, 20, 40% बोला गया है ना, तो 40% ऑफ 50 मार्क्स इज व्हाट, 20 ईच, राइट। तो मिनिमम आपको एक पार्ट में, एक मतलब रीजनिंग में आपको मिनिमम 20 चाहिए, प्लस लिख देता हूं मैं 20 प्लस, मिनिमम यू शुड गेट 20। अगर आपको 19 भी मिल गया एक भी पार्ट में, तो आप रिजेक्ट हो जाओगे, ओके। सो यू शुड गेट मिनिमम 20 इन ईच, तो आपको हर एक सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग कर लिया, एक सब्जेक्ट वीक रह गया, आपको हर एक सब्जेक्ट को साथ लेकर चलना होगा। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स, कैंडिडेट शुड नोट दैट देयर विल बी पेनल्टी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स मार्क बाय कैंडिडेट इन द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर्स, ओके। यहाँ उन्होंने मेंशन नहीं किया है, बट मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी 1/4 और 1/3, ठीक है।
उधर आपको जब इंस्ट्रक्शंस पढ़ोगे ना एग्जाम के टाइम पे, तो एक इंस्ट्रक्शंस पेज पे फर्स्ट पेज पे दिया होगा। नेक्स्ट इज फीस डिटेल्स। फीस डिटेल्स आप देख सकते हो 200 है, 200 आपको फीस भरनी पड़ेगी एप्लीकेशन फॉर्म की। जो मोड्स उन्होंने प्रिस्क्राइब किया है वेबसाइट पे, उसी तरह से आप पैसे भर सकते हो, दूसरा कोई मेथड नहीं है। फीस वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। ओके, हाउ टू अप्लाई, उन्होंने वापस से बताया गया है, वेबसाइट पे जाना है। ब्रीफ इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन गिवन ऑन द वेबसाइट। तो आप ये जब वेबसाइट पे जाओगे ना, आपको ये पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कैसे फॉर्म भरना है, फिर आगे आगे आप चलते जाओगे। वो लोग जैसे जैसे वेबसाइट पे बता रहे वैसे वैसे करते जाइएगा। वापस से उन्होंने डेट मेंशन की है एप्लीकेशन फॉर्म की। प्लीज इंश्योर दैट यू प्रोवाइड वैलिड एंड एक्टिव ईमेल आईडीज। ईमेल आईडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एग्जाम भी दे रहे हो, एग्जाम पास भी हो गए, तो भी वो लोग आपको कहाँ बताएंगे, ईमेल आईडी पे ना, घर पे आके थोड़ी बताएंगे। तो ईमेल आईडी जो भी दे रहे हो वो एक एक्टिव ईमेल आईडी दीजिएगा, ठीक है। ऐसा कोई नहीं मतलब पुराना दोस्त का दे दिया या फिर किसका भी दे दिया ऐसे उठा के। सो प्लीज मेक श्योर यू गिव अ राइट ईमेल आईडी। ओके, स्ट्रांगली एडवाइज टू अप्लाई ऑनलाइन वेल इन टाइम। तो जैसे कि मैंने कहा 11:59 तक वो चालू है, तो वो टाइम तक आपको वेट नहीं करना है, आपको शुरुआत के दिनों में ही भर देना है। ओके, हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म पे वो लोग ने नेक्स्ट पॉइंट मेंशन किया, द कैंडिडेट शुड केयरफुली डिसाइड अबाउट हिज चॉइस फॉर द सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये जो एग्जामिनेशन का सेंटर डालोगे वो जरा ध्यान देके डालना, ऐसा नहीं कि घर के बहुत दूर एकदम कोई सेंटर डाल दिया। ओके, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर विल बी ग्रांटेड। ऑफकोर्स एग्जाम रिटर्न के पहले ही आप मतलब आपके अगर नाटक शुरू हो जाएंगे तो फिर वो अथॉरिटी थोड़ी देंगे आपको, आपको थोड़ी अलाउ करेंगे इतना, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर यू बी केयरफुल वाइल सेलेक्टिंग द सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट इज कैंडिडेट्स इन देयर ओन इंटरेस्ट आर एडवाइज्ड टू कीप अ कॉपी ऑफ प्रिंट आउट ऑफ फिल्ड फॉर्म सबमिटेड ऑनलाइन। ओके, एक बार आप फॉर्म सबमिट कर दोगे उसकी कॉपी रख लेना आपके पास। एडमिट कार्ड फॉर रिटन एग्जाम, द एडमिट कार्ड विल बी मेड अवेलेबल ऑनलाइन फॉर बींग डाउनलोडेड आफ्टर सबमिशन और एप्लीकेशन बाय द कैंडिडेट्स। द इंस्ट्रक्शंस विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट्स। ओके, वेबसाइट पे आपको सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फैसिलिटेशन काउंटर। ओके, अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो रही है फॉर्म फिल करने में, कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी आपको डाउट वगैरह होगा, तो आप ये फैसिलिटेशन काउंटर जो गाइडेंस है कैंडिडेट्स के लिए, वहाँ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। रिटर्न एग्जाम के देखिए, अगर आपका सेंटर ये है, ये सब सेंटर्स आपके हैं, तो स्पेसिफिक उन्होंने कॉन्टैक्ट ग्रुप वगैरह दिया है। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है रिटर्न एग्जाम के टाइम पे, कोई भी सेंटर रिलेटेड कोई भी दिक्कत होगी, तो आप ये कॉन्टैक्ट कर दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप पे पीडीएफ ले लीजिएगा मेरे से। नेक्स्ट इज सेलेक्शन प्रोसीजर। कैंडिडेट्स हुज एप्लीकेशन फॉर्म आर फाउंड करेक्ट विल बी कॉल्ड फॉर स्क्रीनिंग रिटर्न एग्जाम फॉलोड बाय इंटरव्यू ओनली इफ पास द रिटर्न एग्जाम। ओके, तो स्क्रीनिंग होगा आपका, रिटर्न एग्जाम आप जब क्रैक करते हैं उसके बाद आपका स्क्रीनिंग होगा बाय प्रिलिमिनरी इंटरव्यू बोर्ड PIB बाय द रेस्पेक्टिव टेरिटोरियल आर्मी ग्रुप हेडक्वार्टर्स, ठीक है। तो यहाँ एक और एक ऐड हो रहा है एडिशनल, जैसे कि CDS, FCAT, NDA में होता है, SSB तो होगा आपका। ये देखिए, नेक्स्ट स्टेप वुड बी SSB, बट बिटवीन SSB एंड योर रिटर्न एग्जाम देर विल बी अ प्रिलिमिनरी इंटरव्यू बोर्ड। तो वहाँ आपका स्क्रीनिंग होगा रिटर्न के बाद, वहाँ अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आप SSB के लिए जाओगे और फिर मेडिकल के लिए जाओगे। ओके, वैकेंसीज ऑफ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स विल बी डिटरमाइंड एज पर ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट, दैट्स ग्रेट। तो उन्होंने यहाँ मेंशन नहीं किया है वैकेंसी, ये ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, हज़ारों में हो सकती है, हंड्रेड्स में हो सकती है, कुछ भी मेंशन नहीं किया है, ठीक है। दैट वुड बी डिटरमाइंड एज पर ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट जो भी होगी वो लोग तब आपको बता देंगे, आप जैसे एग्जाम क्रैक करते हो वगैरह, आपको बाद में नोटिफाई कर दिया जाएगा। और आपको खुद को तो यार एक ही वैकेंसी चाहिए ना, तो परेशान क्यों हो रहे हो, एक वैकेंसी तो रहेगी, इसीलिए उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एम्बॉडीमेंट फॉर ट्रेनिंग, 1 month बेसिक ट्रेनिंग होगी आपकी फर्स्ट ईयर कमीशन में। नेक्स्ट इज 2 months एनुअल ट्रेनिंग कैंप एवरी ईयर इंक्लूडिंग द फर्स्ट ईयर। तो हर साल आपको 2 months की कंपलसरी सर्विस देनी है। कैंप मतलब वो एन्जॉयमेंट वाला कैंप नहीं होगा, आपको सर्विस देनी पड़ेगी, ठीक है। तो 2 months आप मिलिट्री सर्विस में जॉब जैसे करोगे, देन 3 months पोस्ट कमीशनिंग ट्रेनिंग विद इन फर्स्ट 2 years
एट ओटीए चेन्नई। तो ओटीए चेन्नई एकेडमी में आपको 3 months ट्रेनिंग दी जाएगी कमीशनिंग के बाद। टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस, दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लीज मेक अ नोट। टेरिटोरियल आर्मी इज अ पार्ट टाइम कंसेप्ट विद मैंडेटरी 2 months ट्रेनिंग इन अ ईयर एंड डज नॉट प्रोवाइड फुल टाइम करियर। तो जैसे कि मैंने एकदम स्टार्टिंग में कहा था, दिस इज अ पार्ट टाइम कंसेप्ट, दिस इज अ पार्ट टाइम आर्मी सर्विस, द आर्म फोर्सेज सर्विस यू आर प्रोवाइडिंग फॉर द नेशन, ठीक है, ये फुल टाइम सर्विस नहीं है। सर्विंग इन टेरिटोरियल आर्मी डो नॉट गारंटी पेंशन, डू नॉट गारंटी पेंशन। तो अगर आप पैसों के लिए, पेंशन के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए आ रहे हो तो प्लीज डू नॉट फिल दिस फॉर्म। आई एम सेइंग इट स्ट्रेट फॉरवर्ड बिकॉज द आर्म फोर्सेज डज नॉट रिक्वायर पीपल हु आर हियर फॉर मनी। आप पैसे तो बहुत जगह से कमा सकते हो, लेकिन जो अगर आप इज्जत के लिए आ रहे हो, अगर आप एक स्टेटस, एक ऑनर के लिए आ रहे हो, एक जुनून के लिए आ रहे हो कि आपको देश के लिए कुछ करना है, तो ही प्लीज़ आप ये फॉर्म फिल कर दीजिएगा, ठीक है। तो दैट माइट साउंड, आई कैन से दैट माइट साउंड बिटर टू सम पीपल, बट ठीक है, जो सच है वो मैंने कहा। अगर आपको पैसे कमाना है तो यार, मतलब ये प्रोफेशन आपके लिए है नहीं। अगर आपको देश की सर्विस में कुछ देना है, आपको कुछ एक प्रोफेशन चाहिए जहाँ एडवेंचर मिलेगा, आप एक कुछ वो बोलते हैं ना यार, आपको अगर कुछ देश के लिए करना है तो ही आइए आप ये इंडियन आर्म फोर्सेस में। आपको एक पेंशन वगैरह लेना है तो उसके वजह से आप आना कुछ मतलब नहीं बनता, ठीक है। दिस इज समथिंग मोर देन मनी, दिस इज समथिंग मोर देन जस्ट लाइफ। यू आर गिविंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड दैट माइट बी खुदा ना खास्ता आपके लाइफ को कुछ हो गया तो यार फिर आपका मतलब नहीं बनेगा ना। फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार, मतलब लाइफ को भी डेंजर होता है आर्मी में, ऐसा नहीं कि एकदम आराम का जॉब है, ठीक है। तो प्लीज़ मेक श्योर यू आर रेडी फॉर दैट, यू आर रेडी टू गिव योर लाइफ इन डेंजर, टू कीप योर लाइफ इन डेंजर एंड टू सर्व द नेशन एट एनी कॉस्ट। आई कैन से एट एनी कॉस्ट वुड बी द बेस्ट पॉसिबल वर्ड्स फॉर दिस। तो ये गारंटी नहीं देगा पेंशन की, वो क्लियर हो गई बात। उसके बाद सेम सब्जेक्ट टू एम्बॉडीड सर्विस, मतलब आप जब भी काम करोगे तो जो भी आपको एम्यूलमेंट्स होगा, जो भी सैलरी जैसे होती है आर्मी ऑफिसर्स की, वैसे आपको दी जाएगी। तो उन्होंने ये पे स्केल वगैरह मेंशन किया है, तो ये मैं पढ़ना नहीं चाहूँगा, आप स्क्रीनशॉट करके आप समझ ले सकते हो। तो ये प्रमोशंस के बारे में वगैरह वगैरह कहा है, तो आप ये पीडीएफ में खुद ही पढ़ सकते हो, ओके। एप्लीकेशन फॉर्म आए, ये जो टू बी डाउनलोडेड, तो प्लीज़ मेक श्योर आफ्टर फिलिंग योर एप्लीकेशन फॉर्म वो डाउनलोड कर लीजिएगा। उन्होंने बार बार मेंशन किया है तो वो बाद में बहुत जगह पूछ सकते हैं आपको, इंटरव्यू के टाइम पे वगैरह काम आएगा। और इन्होंने फिर सब डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए, ऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स एंड फिल इट अप इन देयर ओन हैंडराइटिंग, ओके। तो एप्लीकेशन फॉर्म आप एक बार डाउनलोड कर दोगे ना तो एक बार खुद के हाथ से भी भर लेना, उन्होंने जैसे मेंशन किया है। ये कब आपको काम आएगा, अगर आपने रिटन एग्जाम क्रैक कर ली तब, PIB के लिए, दैट इज प्रिलिमिनरी इंटरव्यू बोर्ड के लिए। लेटेस्ट फिटनेस सर्टिफिकेट, ओके। नेक्स्ट इज कॉपी ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ, वोटर आईडी और पैन कार्ड और पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेट्रा, ये सब आप मतलब कोई भी आप रख सकते हो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए। डोमेसाइल और रेसिडेंशियल प्रूफ, ठीक है। सर्टिफिकेट फॉर प्रूफ ऑफ एज, मैट्रिक, सीनियर सेकेंडरी मार्कशीट और सर्टिफिकेट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ओके। तो मैट्रिक या जो भी 10th का सर्टिफिकेट होता है उसमें आपकी जो एज, उससे एज पता चल जाएगी ना आप जब पास हो गए होंगे तब, तो वो आपको एक एज प्रूफ की तरह काम आ जाएगी। नेक्स्ट इज सर्विस सर्टिफिकेट, तो अगर आप गवर्नमेंट में हो, यूनियन टेरिटरी, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, तो आप सर्विस सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो नीचे एक वो दिया है उन्होंने, क्या कह सकते हैं, एडिशनल उन्होंने अपेंडिक्स दिया है, तो वो आप फिल करके लाइएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एन एफिडेविट और नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर, ओके। एफिडेविट भी आपको सबमिट करना है और नीचे उन्होंने अपेंडिक्स दिया है, वो सबमिट करना है आपको फिल करके। कैंडिडेट्स हुज नेम्स वेरी इन डॉक्यूमेंट्स शुड सबमिट कॉपी ऑफ गैजेट नोटिफिकेशन ऑफ इंडिया, ओके। अगर आप में नाम में कुछ चेंज है सर्टिफिकेट्स में कोई भी, और आपके खुद के नाम में आप सब जगह जो नाम देते हो उसमें कुछ चेंज है, तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू ब्रिंग दिस, शुड सबमिट शोइंग द करेक्ट नेम, ओके। वो एफिडेविट आपको बनाना पड़ेगा कि आपका नाम ऐसा गलती से प्रिंट हो गया वगैरह वगैरह। ये लेटेस्ट इनकम प्रूफ, ये सब आपको देना होगा, कॉपी ऑफ पैन कार्ड, कॉपी ऑफ आधार कार्ड, कॉपी ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, ओके। आप जहाँ भी काम करते हो वहाँ से आपको ये सब मिल जाएगा। और
उन्होंने स्पेशली मेंशन किया है रेलवेज के एम्प्लॉयज के लिए, एम्प्लॉयज ऑफ रेलवेज आर रिक्वायर्ड टू सबमिट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेटेड बाय रेलवे बोर्ड। ओके, अब ये देखिए ये अपेंडिक्स है, ये उन्होंने जो भी कहा है यहाँ आप आपका नाम वगैरह जैसे आपको एप्लीकेबल लगे वैसे आप फिल कर दीजिएगा अगर आप गवर्नमेंट ड्यूटी के लिए, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है जैसे कि मैंने कहा आपका खुद का बिजनेस है, कोई प्राइवेट फर्म है, आप खुद कहीं से पैसे कमा रहे हो, एसेट से कुछ पैसे कमा रहे हो, तो वो आप यहाँ मेंशन करोगे। ओके, हाँ ये ऐसा है, दिस इज द नेक्स्ट अपेंडिक्स इज फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड कैंडिडेट्स। इसके बाद उन्होंने दिया सर्टिफिकेट टू बी रेंडर्ड बाय कैंडिडेट्स एम्प्लॉयड इन प्राइवेट सेक्टर। ओके, प्राइवेट सेक्टर में आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, कोई स्टार्टअप है, कोई बिजनेस फर्म है, कोई प्राइवेट फर्म है, कोई एडवर्टाइजिंग फर्म, जो भी हो वहाँ आपको एक प्राइवेट सेक्टर में जो भी एम्प्लॉयज है उनके लिए एक अलग सेक्शन दिया गया है, एक अलग अपेंडिक्स है, तो आप यहाँ पे फिल कर लीजिएगा डिटेल्स और लाइएगा एग्ज़ाम के लिए, रिटर्न एग्ज़ाम के लिए नहीं, ये PIB के लिए बात चल रही है। ओके, ये जो भी अपेंडिक्स है वो PIB के लिए। द नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट फॉर आंसर शीट। तो आंसर शीट में बेसिक ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, सर्कल कैसे करना है ये सब बताया गया है, देयर इज नो नीड टू, और ब्लैक बॉल पेन यूज़ करना है, ब्लू नहीं चलेगा। ओके, रेस्ट इज आई थिंक यू हैव अ बेसिक नॉलेज अबाउट ऑल दिस, क्वेश्चन पेपर 1, 2, 3 रहेगा, ABCD एकदम बेसिक स्टफ उन्होंने मेंशन किया, ठीक है। एंड हियर आर PDF द ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड्स, द मेजर पॉइंट इज अगेन आई एम रिपीटिंग द डेट ऑफ एग्जाम इज ऑन 26 सितंबर 2021, ठीक है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म 20 जुलाई यानी कि कल से फॉर्म शुरू होगा, 19 अगस्त तक चालू रहेगा, तो आप प्लीज़ फॉर्म भर दीजिएगा अगर आप एलिजिबल हो, ठीक है। बाकी मैंने सिलेबस, एग्ज़ाम कैसे होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर, डॉक्यूमेंट्स सब मैंने मेंशन किए हैं, ठीक है। आई होप यू फाउंड वैल्यू इन दिस कंटेंट, और अगर आपको थोड़ा भी यूज़फुल लगे, आपको लगे कि कोई किसी की हेल्प हो सकती है, तो प्लीज़ उसके साथ ये नोटिफिकेशन या फिर ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। एंड फॉर ऑल अदर कंटेंट, फॉर डेली नोटिफिकेशन एक्सेट्रा, यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप एज वेल। सो दैट स्क्रीन ग्रुप फॉर यू, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।